के सत्र का पहला प्रश्न है, भगवान कहाँ रहता है और कैसे प्राप्त होता है। ये प्रश्न एक बार अकबर ने अपने दरबार में पूछा था और उस समय जहाँ बीरबल सारे प्रश्नों के उत्तर देने में माहिर थे, इस प्रश्न को सुनकर के उनका भी चेहरा वहाँ पर मायूसी से लटक गया और उनके दरबार में जितने लोग बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले थे वो वहाँ पर खुश हो गए कि इस बार इनको वहाँ पर मात खानी पड़ेगी। अकबर ने 7 दिन का समय दिया था। पहली बार बीरबल अपने घर बड़ी बेचैनी के साथ में लौटे और काम करने वाला अच्छा वही माना जाता है जो घर पर आए और अपने काम को लेकर के ना आए। आज उनकी हवाइयों को उड़ता देख करके उनका पोता उनसे पूछने लगा कि दादाजी आज ऐसी रोनी सूरत क्यों बनाए हुए हैं, क्या कोई निकट संबंधी मरण को प्राप्त हो गया है। बीरबल का उत्तर देने का मन नहीं था, लेकिन तनाव को जितना संभालो उतना बढ़ता जाता है। उसने कहा और ये प्रश्न वहाँ पर पूछा गया है। पोते ने सुनकर के कहा कि हम पाठशाला जाते हैं और वहाँ पर हमें इसका उत्तर सिखाया गया है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। बस आपसे एक विनती है कि आप वहाँ पर मौन रहना। जब 7 दिन व्यतीत हो गए, आखिरी दिन बीरबल वहाँ पर अपने पोते को लेकर के पहुँचा। उस समय में बीरबल सोच रहा था कि मेरे पोते ने बोला है कि आप मौन रहना, इस विषय में हम बोल भी क्या सकते हैं, ये तो गूंगे की गुड़ जैसी बात है, शब्दों में परमात्मा आत्मा कौन बता सकता है। दरबार में वहाँ पर अभिवादन करने के बाद में अकबर को बताया गया कि ये बीरबल के पोते हैं, ये इसका उत्तर देंगे। तो उन्होंने पूछा कि बताओ क्या है उत्तर। तो उस समय में पोता छोटा सा कहने लगा कि क्या आपके दरबार की यही परंपरा है, ना बैठने को कहा ना नाश्ता पानी को पूछा और उत्तर मांगने लगे। बादशाह थोड़े से लज्जित हुए और उन्होंने पूछा कहाँ बैठना चाहेंगे। तब उस पोते ने कहा कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको उत्तर मालूम है क्या। तो उन्होंने कहा उत्तर मालूम होता तो तुमसे पूछने की आवश्यकता क्या थी। तो कहले आप जब उत्तर नहीं जानते हैं तो शिष्य बनकर के प्रश्न पूछो और गुरु को उच्चासन प्रदान करो। उनके लिए एक उच्चासन पर बिठलाया गया और उस समय प्रश्न किया कि आप क्या लेंगे। उसने कहा कि हम तो बालक हैं, दूध ही लेते हैं। और उनके लिए कटोरे में एक मीठा दूध बुलवाया गया। जैसे ही उस पोते ने उस कटोरे को हाथ में लिया और उसको देखने लगा, कई बार इधर उधर घुमा करके टेढ़ी नज़रों से उसको देख रहा था और उस समय में अकबर से सहन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या देख रहे हो, सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर जल्दी चाहिए। पोता बोला कि सुना है जहाँ पनाह दूध में घी होता है, उसे ही खोज रहा हूँ किंतु वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अकबर झल्ला करके बोले क्या पागल हो गए हो, घी प्राप्त करने की विधि नहीं जानते। पहले जामन डाल करके दही, फिर मंथन करके माखन प्राप्त किया जाता है और अग्नि पर गर्म करने पर घी प्राप्त होता है। उस बात को सुनकर के बीरबल के पोते ने मुस्कुरा करके कहा कि अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, आप एक एक प्रश्न पूछिए। उस समय में अकबर उन प्रश्नों को दोहराते हैं और कहते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है और क्या करता है। पोते ने कहा जैसे दूध में घी तिल में तेल होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, हम सभी उसको जानते मानते हैं, उसी प्रकार से देह रूपी देवालय में आत्मा रूपी परमात्मा निवास करता है। यह अनुभूति की चीज है, जो दिखाई नहीं देता ना दिखाने की वस्तु है उसे प्राप्त करने के लिए संयम को धारण करके पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होकर मन की चंचलता को रोककर एवं सभी जीवों की रक्षा करना उसमें जामन है। और इसके बाद तप रूपी मथानी से इच्छाओं को कम करते हुए
माखन को प्राप्त करके ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्मों को नष्ट करना और उसके माध्यम से ही उस परमात्म तत्व को घी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। और उस समय मनोविनोद में वो बालक बोला कि परमात्मा की भक्ति करने वाला वहाँ पर बड़ा बन जाता है और द्वेष करने वाला छोटा हो जाता है। ऐसा कहते हैं लेकिन वास्तव में परमात्मा दर्पण की तरह है, वो अपने को चेहरे पर लगी हुई कालिख दिखा सकता है लेकिन कालिख मिटाता नहीं, उसे हम स्वयं मिटाते हैं। इसलिए कहने में आता है कि भगवान ने हमारे लिए मुक्ति प्रदान की, भगवान ने हमारे लिए